अस्सलामु अलैकुम बंदगी रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। और आप लोग कैसे हैं? खैरियत से उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन दम बिरयानी। तो इसके लिए हमने आधा किलो ये मटन लिया है, ये हमने फैट के साथ लिया है, ये हड्डी के साथ इस तरह से हमने धो के रख लिया है। प्लेट में आधा किलो है, आधा किलो हमारे चावल है। ये चावल जो है हमारा ये है गोल्डन राइस, ये उसका गैलेक्सी का, ये पक्के चावल होते हैं। इसको हमने भिगो दिया है, एक घंटे से ज़्यादा हो गए इसको भिगे हुए। ये हमने भिगो दिए और ये हमें दो प्याज काटी है लंबी लंबी, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें तेल डाल दिया, ये एक चम्मच होगा अंदाजे से, इसमें डाल दिया हमने 50 ग्राम से ज़्यादा ही तेल है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है बिरयानी में थोड़ा अच्छा रहता है ज़्यादा डाले। अब ये प्याज हम अपनी गोल्डन फ्राई करेंगे, इसमें अब गर्म हो जाते हैं। देखो ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से करना है इसको, इसको निकाल। अब इसमें हम ये गोश्त डालते हैं, अब ये दो चम्मच ये अदरक लहसुन डालेंगे, ये हमने अभी ताज़ा ही पीसा है। अब इसको डाल के भूनेंगे दो मिनट तक, दो तीन मिनट, कलर चेंज हो जाए इसका, पता इस तरह से भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ। अब देखो इस तरह से हमने इसे दो मिनट तक भूनना है इसको, ऐसे दो तीन मिनट तक। अब इसमें मसाले डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं है, आधे चम्मच से ही कम कर। ये मिर्च डालेंगे लाल, किसी मिर्च पाउडर आधा चम्मच, क्योंकि हमारे चावल आधा किलो है तो इस हिसाब से हम डाल रहे हैं। धनिया डालते हैं दो चम्मच। अब इसको इस तरह से अब इसमें हम नमक डालते हैं आधा चम्मच, चावल का नमक हम चावल में डालेंगे, ये हमने गोश्त का नमक डाला है इसमें। इस तरह से इसे भून लेते हैं। और ये हमने दो चम्मच ये बिरयानी मसाला लिया है, हमारा घर का बना हुआ मसाला है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई, वहाँ से आप देख के बना सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खुशबूदार मसाला है ये। इससे दम बिरयानी बनाओ चाहे दूसरी बिरयानी बनाओ कोई सी भी, उसमें डालो, बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हमने ये दो चम्मच भर के दही लिया है, बड़ा चम्मच है, इसको भी डाल देते हैं इसमें। इसको भी भून लेते हैं इसके साथ, दही के साथ इस तरह से। दही की कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के डाल देते हैं, थोड़ी सी प्याज डालते हैं हम इसमें, ऐसे इस तरह से मसल के डाल देते हैं। अब इसको भून के हम पानी डाल के एक सीटी लगाने के बाद 10 मिनट तक रखेंगे हम मीडियम हल्की गैस पे, और ये गल जाएगा। पानी हम अपने चावल बॉयल करते हैं, चावल को उबालेंगे, इसमें हम नमक डालते हैं, एक दो, ये तीन चम्मच नमक भर के हमने डाला है, क्योंकि पानी में निकल जाता है इसलिए ज़्यादा डालना पड़ता है नमक। इसमें हमने तेज पत्ते डाल दिए हैं, और ये खड़ा गरम मसाला है, ये जीरा सूखा हुआ हमारे पास, ये सूखा डाल देते हैं। अगर आपके पास हरा है तो वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया, बहुत खुशबू आती है, बहुत अच्छी, इसे तो ज़रूर से डालना। अब ये पानी में बॉयल आ जाएगा तब हम, अब ये पानी में बॉयल आ गया, अब हम इसमें चावल डालते हैं, चावल डाल दिए। अब इसे चावल को हम उबालते हैं, इसमें एक चम्मच हम ये रिफाइंड डाल देते हैं, ताकि हमारे चावल जो हैं अलग अलग रहें। नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, नींबू नहीं था तो हमने चावल रिफाइंड, ये बॉयल हो गया अच्छे से। देखो इसको,
ये टूट रहा है, ये हो गया। अब इसे हम पसार देते हैं पानी को, पानी को चाहे किसी छन्ने में छान दो चावल को या फिर पानी को पसार दो। अब हम इसको पानी निकाल देते हैं। अब इधर हमारा ये अखनी जो है बन गई है कोरमा, हमारा जो हम डालेंगे उसमें गोश्त हमने बनाया था ये बन गया। देखो ये गल भी गया, अच्छे से गल गया ये। हमने इसे 10 मिनट तक रखा था सेलो गैस पे। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं, इसका पानी थोड़ा सुखा देते हैं, अब डालेंगे चावल में। अब देखो ये भून गया, बस ऐसे रखना होता है। अब चावल में डालते हैं। अब इसमें हमने चावल जो है इस तरह से लगा दिए और बिछा दिए, और इसमें हमने प्याज पुदीना और ये डाल दिया, ये धनिया। अब इसमें थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला डालते हैं इस तरह से। अब इस पर हम अपना गोश्त ये डाल देते हैं जो हमने अभी बनाया था, ये डाल देते हैं। ये हम जो है ये हमने दही में ये कलर मिला के ये हम डाल देते हैं इस बोटियों के ऊपर, ऐसे हमारी ये बोटियों में कलर आएगा। अगर आपके पास रेड है तो रेड डाल सकते हैं, हमने ये येलो कलर डाल दिया है। इस तरह से हमने इसमें गोश्त डाल के ऊपर से अब हम बाकी के चावल डालते हैं। अब इसमें हम ये चावल जो बचे हैं हमारे ये डाल देते हैं इस तरह से फैला के। इस तरह से हम ये डाल देते हैं सारे। अभी हमने सारे चावल डाल दिए। अब इसमें हम ये जो अचार है मिर्च वाला अचार है टॉप्स का, ये भी हम इस तरह से डाल देते हैं। इससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये तो ज़रूर से डालना। और ये प्याज है ये भी डाल देते हैं। ये भी डाल दी। अब ये जो धनिया और पुदीना दिखाया था हमने, हमारे पास सूखा था तो हमने ये सूखा डाल दिया इस तरह से। ये आधा कटोरी हमने दूध लिया है, इसको हम इस तरह से डाल देंगे ताकि हमारे चावल जो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। दो चम्मच हम इसमें देसी घी भी डालेंगे इस तरह से। ये डाल दिया, इससे भी बहुत अच्छे चावल बनते हैं सॉफ्ट। अब हमने ये सामान डाल दिया सब। अब इसके ऊपर हम ये कपड़ा एक लगाते हैं इस तरह से। अब इसे हम दम में लगाएंगे। इसे हम दो तीन मिनट के लिए हम पहले फुल गैस करते हैं, जब इसमें भाप बन जाएगी फिर हम स्लो कर देंगे। इसे हम 5 मिनट तक स्लो गैस पर रखेंगे, उसके बाद दिखाएं। अब देखते हैं हम अपनी दम बिरयानी इस तरह से। बहुत अच्छी, बहुत खुशबूदार, बहुत दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी। आप भी हमारी तरीके से इस तरह से बनाना, आपकी भी बिरयानी इसी तरह बनेगी खुशबूदार। देखो दिखाते हैं हम निकाल के इस प्लेट में इस तरह से। अब देखो बन गई हमारी मटन दम बिरयानी, देखो कितनी अच्छी बनी, बहुत अच्छी, बहुत खुशबूदार बनी है। आप भी हमारे तरीके से बनाना, आप भी हमारे तरीके से बनाएं, खाएं, हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं हमारी ये बिरयानी कैसी थी, हमारे तरीके से बनाएं।